हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। जैसा कि हमारा रीजनिंग में चैप्टर 4 चल रहा है एनालॉजी, इससे पहले इसके हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, आज इसका हम 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले हमने इसके लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई टी ओ जे रेशियो यहाँ पे एक्स एस एल आई प्रोपोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे आगे कि डब्ल्यू आर एम एच इससे आगे जो रेशियो है वो यहाँ पे क्या आएगा। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा वाई टी ओ जे एक्स एस एन आई डब्ल्यू आर एम एच। ओके, सबसे पहले आपको एनोलॉजी करना कैसे है, आपको पता है कि यहाँ से इन दोनों का जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें इन दोनों का यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो जो अल्फाबेट है उनके नंबर लिखोगे, आप जो अल्फाबेट है उनके नंबर लिखोगे। Y25 पे होता है, T20 पे होता है, O15 पे होता है, J10 पे होता है। ओके, आपको नंबर लर्न होने चाहिए Y25, T20, O15, J10 पे। X होता है वो 24 पे होता है, S19 पे होता है, N14 पे होता है, I9 पे होता है। ओके, अब देखिए आप यहाँ से जो लॉजिक इनमें आपस में जो समानता है वही लॉजिक हमें इसका और जो हम नेक्स्ट हमारा आंसर आएगा उसमें चाहिए। ओके, यहाँ से 25 है, ये 24 क्या गया है, -1 क्या गया है। ओके, यहाँ से 20 है, 19 -1 क्या गया है, 15 है, 14 -1 क्या गया है, 10 है, 9 -1 क्या गया है। यहाँ पे सभी में क्या क्या गया है, -1, तो हमें आगे भी यहाँ पे -1 ही करेंगे सभी में। ओके, तो W यहाँ पे 23 पे होता है, R 18 पे होता है, M 30 पे और H 8 पे। ओके, -1 करेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, -1 करेंगे तो 22 आ जाएगा, -1 करेंगे 17 आ जाएगा, -1 करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और -1 करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 12 नंबर्स पे क्या होता है, बी होता है, 17 पे क्यू होता है, 12 पे एल होता है, और 7 पे जी होता है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर सभी को, नेक्स्ट देखिए, अभी कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एनोलॉजी से रिलेटेड। PSR रेशियो FED प्रोपोर्शन में TSR FED प्रोपोर्शन में WVU। ओके, तो यहां से देखिए, अब जो रिलेशन इनका और इनका है वही रिलेशन हमें यहाँ पे इनका और इनका चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम देखिए, टी आता है वो 20 पे होता है, S19 पे, R18 पे। ओके, टी 20 पे, S19 पे, R18 पे। एफ होता है वो 6 पे होता है, ई होता है वो 5 पे होता है, और डी होता है वो 4 पे होता है। ओके, अब यहां से क्या रिलेशन बन रहा है, कंटिन्यू माइनस हो रहे हैं, कितने माइनस हो रहे हैं, 14 में से कितने माइनस हुए, की 6 आ गए, -14 हुए। ओके, 19 में से कितने माइनस हुए, -14 हुए, 18 में से कितने माइनस हुए, -14 हुए, -14 हुए सभी में,
तभी यहाँ पे जाके ये आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम इनका नंबरिंग करेंगे तो W 23 को होता है, V 22 को होता है और U 21 को होता है। यहाँ से भी 14 माइनस किया गया है तो हम यहाँ पे भी 14 ही माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे 23 में से अगर 14 माइनस कर देते हैं हम, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस 14 करेंगे तो 9 बचेगा, यहाँ से माइनस 14 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 14 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, तो 9, 8 और 7 आ गए। तो 9 पे क्या होता है, आई होता है, 8 पे होता है एच होता है और 7 पे होता है जी होता है। तुम्हारा ऑप्शन जो होगा वो आई, एच और जी हो जाएगा, क्योंकि जो रिलेशन यहाँ पे है, यहाँ पे प्रत्येक में माइनस 14 किया गया है तो यहाँ पे भी माइनस 14 ही कर दिया हमने। ओके, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MAD रेशियो यहाँ पे JXA क्वेश्चन दिया हुआ है, RUN यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम वही जो अल्फाबेट होते हैं उनके नंबरिंग लिख लेंगे। तो M होता है 13 पे, A होता है 1 पे, D होता है 4 पे, J होता है 10 पे, X होता है 24 पे और A होता है 1 पे। ओके, तो यहाँ से इन दोनों में क्या लॉजिक है, यहाँ से और यहाँ से वही लॉजिक, वही सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या 13 में 10 किया गया है, कितना माइनस किया गया यहाँ पे 3, 1 में 1 का 24 लिखा गया। अब देखिए 1, 26, 25 और 24। ओके, अब यहाँ से भी कितना माइनस किया गया, जिस प्रकार 13, 12, 11 और 10 लिखा गया था 3 माइनस किया गया था, तो यहाँ से 1 के बाद 26 क्यों लिखा हमने, क्योंकि अल्फाबेट 26 ही होते हैं, तो 1 से पहले क्या जाएगा, 1 से पहले फिर से 26 आ जाएगा, फिर 25 ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो 1 से पहले 26, 25 और 24, तो यहाँ से 24 आ गया। तो यहाँ से 2 माइनस 3 माइनस यहाँ पे क्या गया है, 4 में से 1 लिखा गया है, यहाँ पे भी माइनस 3 क्या गया है, नहीं सभी में यहाँ पे क्या क्या गया है, माइनस 3 क्या गया है। ओके, यही सेम ये आपको ये समझ गया है कि 1 से 24 कैसे आया। देखिए 1 से पहले क्या आ जाएगा, अल्फाबेट की बात करेंगे तो 1 से पहले क्या आ जाएगा, वापस 26 आ जाएगा रिवर्स जाके, तो 26, 25, 24। ओके, तो यहाँ से आपको आ जाएगा, यहाँ से R 18 पे होता है, U 21 पे होता है, N 14 पे होता है, R 18 पे, U 21 पे और N 14 पे। तो यहाँ से सभी में माइनस 3 किया गया है, यहाँ पे भी हम सभी में माइनस 3 करेंगे, तो माइनस 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 3 करेंगे 18 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 3 करेंगे 11 आ जाएगा। ओके, तो 15 पे क्या होता है, O होता है, 18 पे R होता है और 11 पे K होता है। ओके, तो O, R और K ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, O, R और K। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए जो लॉजिक यहाँ पे लगाया हुआ है, स्टार्टिंग में जो लॉजिक क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही लॉजिक हमें आंसर तक पहुँचने के लिए सेम वही लॉजिक अप्लाई करना है। अगर माइनस किया गया है तो माइनस करेंगे, अगर प्लस किया गया है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड, या स्क्वायर क्यूब जो भी लगा रखा है वही सेम लॉजिक यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है UHCDN. देखिए अल्फाबेट ज्यादा है तो यहाँ पे UHCDN VIDEO. यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया हुआ है OKZ XDQ. यहाँ पे भी बताना है OKZ XDQ. ओके देखिए अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन कितना भी लेंथी हो जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, कितने भी ज्यादा अल्फाबेट आ जाए, आप आसानी से उनको सोल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या समझना है, आपको ये समझना कि क्वेश्चन को सोल्व करना कैसे है। ओके देखिए अभी यहां से हम करेंगे कि U21 क्या होता है, एच पहले हम इनका अल्फाबेट जो दिए हुए इनके नंबरिंग कर लेंगे। U21 क्या होता है, H8 क्या होता है, C3 पे होता है, D4 पे होता है, N14 पे होता है, V22 पे होता है, I9 पे होता है, D4 पे होता है, E5 पे होता है, O15 पे होता है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक लॉजिक देखना है कि इनमें और यहाँ से यहाँ तक क्या लॉजिक लगाया गया है। अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया तो आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट पता लग जाएगा कि यहाँ से अल्फाबेट से ही पता कर लोगे आप कि U21 पे होता है तो V22 पे यहाँ पे +1 क्या गया है, H8 पे I9 पे यहाँ पे +1, C3 पे D4 पे यहाँ पे +1। ओके देखिए 21 से 22 +1, 18 से 9 +1, 3 से 4 +1, 4 से 5 +1, 4 से 5 यहाँ पे +1, 14 से 15 यहाँ पे भी +1, सभी में क्या क्या गया यहाँ पे +1 क्या गया है। तो यहाँ पे अगर सभी में +1 क्या गया है तो हम भी यहाँ पे सभी में क्या कर देंगे, +1 ही करेंगे। ओके तो यहाँ पे O आपका 15 पे होता है, K11 पे होता है, Z 26 पे होता है, X 24 पे होता है, D 4 पे होता है और Q 17 पे होता है। ओके सभी में +1 करेंगे हम तो 15 है वो 16 हो जाएगा, 11 है वो 12 हो जाएगा। अब देखिए Z 26 है, 26 में 1 ऐड करेंगे तो 27 हो गया, बट 27 पे तो कोई अल्फाबेट ही नहीं होता। ओके तो 26 में 1 प्लस करेंगे तो डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, फिर से स्टार्टिंग हो जाएगा, 1 से शुरू हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके ये नहीं कि हम 26 में 1 प्लस कर देंगे तो 27 नहीं होगा, क्योंकि अल्फाबेट होते हैं वो ओनली 26 होते हैं, 26 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके तो यहाँ से 26 के बाद क्या हो जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, तो 26 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ से 1 से शुरू हो जाएगा, फिर 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 और 17 में 1 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा। ओके अब यहाँ से हम करेंगे 16 पे आता है P, 12 पे आता है L, 1 पे आता है A, 25 पे आता है Y, 5 पे आता है E और 18 पे आता है R। तो हमारा ये PLAYER ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं अभी हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ECEIN रेशियो दे रखा है NIECE प्रोपोर्शन VANISH
VANISH, यहाँ से मैं पूछ रखा कि यहाँ से क्या आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिलेशन देखेंगे, जो इन दोनों का रिलेशन है वही रिलेशन हम वहां पे अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखते ही पता लगेगा कि इसमें जो अल्फाबेट है सेम अल्फाबेट यहाँ पे लिखे गए हैं। ओके, देखिए ई है, सी भी है, ई भी है, आई भी है, एन भी है, सेम अल्फाबेट वहीं पे लिखा गए हैं। तो आपको यहाँ पे अल्फाबेट नंबर लिखने की जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हो आपको पता लग जाता है हाँ यही अल्फाबेट यहाँ पे भी लिखे गए हैं। ओके, तो अब देखिए, हो सकता है इसको रिवर्स लिखा गया हो, ई स्टार्टिंग में है, ई लास्ट में भी है। ओके, उसके बाद सी है, उसके बाद सी, फिर से ई, फिर से ई, आई है, आई, और एन लास्ट में है, फर्स्ट में आ गया, यानी इसको सभी को रिवर्स लिखा गया है। ओके, तो सेम एज इट इज हम जो ये लिखा गया है उसको भी अपोजिट लिख देंगे, रिवर्स लिख देंगे। तो सबसे लास्ट में एच है तो यहाँ से एच लिख देंगे, उसके बाद एस है, एस लिख देंगे, आई है तो आई लिख देंगे, एन है, एन लिख देंगे, ए है तो ए, और बी है तो बी। ओके, जिस प्रकार यहाँ पे इसका रिवर्स करके लिखा गया है सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी हमने इसका रिवर्स करके लिख दिया है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्रेट नंबर को क्या लिखा जाएगा, ग्रेट को 25 लिखा जा रहा है। अब देखिए यहाँ से ग्रेट और यहाँ से 25, यहाँ से हमें इसका रिलेशन देखना है। अब देखिए, आपको ये देखना है कि ग्रेट को यहाँ पे 25 लिखा गया, तो इनका और यहाँ पे 25 का क्या रिलेशन है यहाँ पे। ओके, ग्रेट यहाँ पे होता है, अगर इनके नंबरिंग किया जाए तो ये नंबरिंग G7 पे होता है, R18 पे, E5 पे, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 अल्फाबेट है, और 5 और 25 का क्या रिलेशन है, 5 और 25 का कुछ यहाँ पे रिलेशन है, 5 का स्क्वेयर होता है वो 25 होता है। यस, ये रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, तो ऐसा ही कुछ लॉजिक हम यहाँ पे लगा लेते हैं। जितने यहाँ पे अल्फाबेट हैं उनको काउंट किया, उसका स्क्वेयर करके यहाँ पे लिखा गया है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे अल्फाबेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 6 को स्क्वेयर करते हैं और 6 का स्क्वेयर होता है 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। ओके, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। देखिए यहाँ से जो अल्फाबेट है उनका स्क्वेयर करके आगे लिखा गया है। ओके, इसी प्रकार हम आगे भी यहाँ पे जो नंबर है उनके स्क्वेयर करके आगे लिख दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए कैसा ही हो, यहाँ पे अब आ गया स्क्वेयर रूट, ए एफ आई यहाँ पे लिखा हुआ है एम, और यहाँ पे रेशियो में है ए बी डी, यहाँ पे लिखा हुआ है एम, प्रोपोर्शन में दिया हुआ है ए बी ए, ए बी ए, तो यहाँ पे हमें बताना है ए बी ए। देखिए अब ये तो है नहीं कि हम अल्फाबेट का कोई स्क्वेयर रूट निकाल सकते हैं, अल्फाबेट का तो हम स्क्वेयर रूट निकाल नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, हमें इनके नंबर लिखने होंगे। ए वन पे होता है
एफ सिक्स पे होता है और आई नाइन पे होता है, एम थर्टीन पे होता है। तो यहाँ से आपको कुछ लॉजिक पता लगा, 169 का जो स्क्वेयर रूट होता है वो कितना होता है, 13 होता है। 169 का स्क्वेयर रूट क्या होता है, 13 होता है। इसी प्रकार ए वन पे, डी फोर पे और डी फोर पे। अब देखिए यहां से क्या हुआ कि 144 का यहाँ पे है एल 12 होता है, और 144 का स्क्वेयर रूट होता है वो 12 होता है। स्क्वेयर रूट कैसे, जैसे 13 का स्क्वेयर तो होगा 169 और 169 का स्क्वेयर रूट होगा वो 13 होगा। ओके, 13 का स्क्वेयर होगा 169 और 169 का स्क्वेयर रूट होगा वो 13 होगा, तो 144 का स्क्वेयर रूट 12 हो गया। इसी प्रकार हम आगे सोल्व करेंगे ए वन पे, बी टू पे और ए वन पे। 121 का जो स्क्वेयर रूट होता है, 121 का जो स्क्वेयर रूट होता है वो 11 हो जाएगा। ओके, 121 का जो स्क्वेयर रूट होगा वो 11 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, तो लगभग हम सभी टाइप के क्वेश्चन जो 3 पार्ट में हमने कंप्लीट किया उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं सभी टाइप के क्वेश्चन। अब आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए आपकी क्लास में इतना ही, इतने ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम आज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।